जो अमृत वर्षा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लिखी गई स्क्रिप्ट है उस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही है। झारखंड में बहुत वही मनीष सिसोदिया को मनीष शिंदे हमने कहा, रांची में भी कई शिंदो को खोजा गया, पकड़ में आ गए, पोल खुल गई। आज तो दिल्ली में भी चार विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 20-20 करोड़ रुपए और यदि साथ में और एमएलए को लाएंगे तो उनको 20, आपको 5 और बढ़ा देंगे 25। ये अंक है, झारखंड में भी बात आया कि 10-10 करोड़ और यदि अपने साथ एक प्लस करोगे तो 15-15 करोड़। खनन मामले में ईडी की जांच चल रही है, उस जांच के दायरे में जो भी लोग आ रहे हैं एक नया शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीब। अरे भाई, जो व्यक्ति आदरणीय रघुवर जी के साथ देवघर में उनके सचिव के पुत्र की शादी में शामिल होता, जिसका संबंध सार्वजनिक तौर पर रघुवर जी के साथ राजबाला वर्मा जी के साथ था, अब वो हेमंत सोरेन के साथ कैसे हो गया? रघुवर जी को भुला गए? हम लोग तो चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो ताकि जांच के जल में रघुवर जी आए। किसने साहेबगंज में डीएमओ भेजा था जिनको ईडी ने बुलाया था? रघुवर जी ने। कौन जाके स्टीमर में घूमता है साहेबगंज के गंगा में? बाबूलाल जी किसके स्टीमर में घूमते हैं? किनके घर में खाना खाते हैं? उसको यदि ईडी बुलाता है तो वो भी हेमंत सोरेन के करीबी। गुनाह है क्या आदिवासी होना? गुनाह है क्या कि आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं? ये गुनाह है हमारा कि हम आदिवासी दलित मूलवासी छात्रों को विदेश भेज रहे हैं? और इस गुनाह के लिए हमको इस तरह से पनिश किया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है कि इस देश के लोगों को डिप्राइव रखो और कॉरपोरेट के लोगों को हर तरह का अप्राइजल दो, समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के शासित किसी भी राज्य में कोई भी जांच एजेंसी नहीं काम कर रही है। लेकिन आप देख लीजिए, तेलंगाना हो, बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, वहां पर आपको ठीक ही कहा बिहार के एक नेता ने कि भाजपा के तीन जमाई
आईटी, ईडी, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी का तीन जमाई आईटी, ईडी और सीबीआई। आपको जो भी जांच करना हो आप जांच के तह तक जाओ, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन नैरेटिव मत बनाओ। यदि भ्रष्टाचार हुआ है और जिनके कालखंड में हुआ है, उस कालखंड का सच्चाई बताओ। हम लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि यदि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का उद्भेदन होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर मिथ्याचार प्रचारित नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है और उसी का बौखलाहट है कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज किस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों को यहां बुलाकर उनको सक्रिय किया जा रहा है। दादा, एक जे जे पुरियार का नाम आ रहा है जिनकी यहां छापेमारी हुई है, जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सीए रहा है। हमारे सीए हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो आईटीआर में ही उनका रिटर्न है। जांच होने दीजिए, जांच में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जो हमारा वैलिड चीज है उसको हम लोग ओन करते हैं, और कुछ यदि इनवैलिड है तो वो जांच का विषय। हम कहां डर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उनका नैरेटिव क्या है। आपत्ति तो हम लोगों को उस विषय पर है जो मीडिया के लोग बड़े बड़े हल्फों में छापते हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी, उनके पास ये सोर्स कहां से आया। आपत्ति हमें इस बात की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।